हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह राणा। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, एक टीवी आया है मेरी दुकान पे। ये है 21 इंच का फ्लैट, बोलते हैं एलजी। दोस्तों, ये टीवी है एलजी फ्लैटरॉन बोलते हैं इस टीवी को। ये फ्लैट है एलजी का, पुराने मॉडल का टीवी है, ओल्ड मॉडल एलजी का। दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर का ये कह रहा है इसमें आवाज़ तो आ रही है, तो साउंड आ रही है, बट इसमें पिक्चर नहीं आ रही। ये पिक्चर रोशनी नहीं आ रही इसमें। दोस्तों, आज मैं बताऊँ आपको कि रोशनी क्यों नहीं आ रही, क्या वजह है, वीडियो में आपको बताऊँगा। पहले अपना आयरन देख चेक कर लेते, चालू है नहीं है हमारा। और इस वोल्टर ले लेते हैं अपना, तो दोस्तों इसमें कारण कहीं होते हैं वोल्टर ना आने के। तो मैं आपको बताऊँगा दो तीन कारण जो है, जो रेगुलर फॉल्ट आते हैं दो तीन कारणों के, तो मैं वो बताऊंगा आपको कि क्या कारण उसका हो सकता है, क्या खराबी हो सकती है। दोस्तों, फोकस देना इस पर, एक पॉइंट पे जो मैं बताऊंगा आपको, मैं आगे आपके काम आने वाली चीज़ है। अगर आप नए मिस्त्री हो तो कई बार खराबी होती कुछ और, हम सोचते हैं कुछ और। सबसे पहले हमें करना क्या दोस्तों, हमें देखना है, यहाँ देखो इस पर मीटर पर 200 रुपये ला के, पहले 110 चेक करनी है इसकी। ये 110 यहाँ पे आते हैं वोल्टेज, 130 वोल्ट आते हैं, 112 113, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आ रहे हैं इस सजेशन से, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ आ रहे हैं, उसका फिर हम जाते हैं ESD पे, 113 वोल्ट आ रहे हैं। तो इस पिन पे आते हैं बूस्ट वोल्टेज, इसे हम बाद में चेक करेंगे। फिर उसके बाद जाते हैं हम ड्राइवर पे, ड्राइवर पे हमारे 38 वोल्ट आ रहे हैं, इस पर 38 वोल्ट आ रहे हैं, ये हमारे सही हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये ड्राइवर के वोल्टेज सही हैं आपके, और यहाँ ESD पे वोल्टेज आ रहे हैं हमारे 112 113 वोल्ट, तो उसका मतलब हमारी बूस्ट बन रही है। तो अब हम चेक करेंगे लास्ट में, देखेंगे फिलामेंट जलाएं जला, पिक्चर ट्यूब तो ख़राब नहीं हो गई है इसकी, जो पिक्चर ट्यूब वो तो ख़राब नहीं हो गई, हमें देखते हैं। पहले फिलामेंट देखते हैं, तो फिलामेंट पर 3 या 4 वोल्ट आएंगे, ये हमारा पिन फिलामेंट की है, ये वाली। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे फिलामेंट के वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पे 3.8, मतलब 4 वोल्ट आते हैं यहाँ पे, 3 साढ़े 3 4 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। अब ये इसकी लाइन में चला जाओ, सीधा चले जाओ इसकी लाइन में, जाते 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 यहाँ इसकी पिन है, यहाँ जाके देखते हैं हम। देखो दोस्तों, यहाँ 3.38 वोल्ट आ रहे हैं। या दोस्तों, AC पे चेक करना है, आपको ध्यान रखना AC पे चेक करना है, मीटर पे यहाँ DC पे नहीं, AC पे चेक होगा फिलामेंट। यहाँ 3 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। और हम अब इसकी पिन पर देखते हैं आगे फिलामेंट वोल्टेज, यहाँ पर दोस्तों नहीं आ रहे फिलामेंट वोल्टेज, तो देखते हैं क्या पता कहीं कोई गड़बड़ी हो। दोस्तों, यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे नहीं आ रहे। दोस्तों, यहाँ पे एक हमारी रेजिस्टेंस लगती है, 1 ओम लगा दो या 1.8 ओम लगा दो, या फिर आपके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सपोज कोई रेजिस्टेंस है आपके पास, है नहीं फिलहाल, मिल नहीं रही अचानक, तो करना क्या आपको, फिलहाल इमरजेंसी में आप एक तार जोड़ सकते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे हमारे फिलामेंट के वोल्टेज आ रहे हैं और यहाँ पर नहीं आ रहे, इसका मेन इसका मतलब ये होता है कि यहाँ कोई रेजिस्टेंस लगी हुई है, वो ख़राब है, ठीक है दोस्तों। मैं आपका टाइम ख़राब ना करके फिलामेंट एक एग्जांपल लगा के दिखाता हूँ आपको। अगर आपके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सपोज किसी घर पे बैठे हो आप, घर पर टीवी ठीक कर रहे हो और आपके पास कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो क्या करें, तो हमें क्या करना है, इसको दो एक तार लगा के आपको चेक कर लेना है बस, कि वास्तव में खराबी इस रेजिस्टेंस की है, कुछ और खराबी तो नहीं है। तो फटाफट हम तार लगाते हैं और हम चेक करते हैं। क्या के खराबी इस रेजिस्टेंस की है, कुछ और है। उसको तार ध्यान से लगाना है, सो ये मैं तार लगा दिया, ये तार लगाना है हमें इस रेजिस्टेंस पे। उसको ये तार ध्यान से देख लेना, तार यहीं लगी कहीं और लगी है दोस्तों। अब फटाफट चालू करके देखते हैं क्या भाई रोशनी आई या नहीं आई। तो पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारे वोल्टेज नहीं आ रहे थे वो आए क्या, 3 वोल्ट दोस्तों। यहाँ पे हमारे वोल्ट आ गए हैं, सही देखो हमारे वोल्ट आ गए ना यहाँ पे, सब पिक्चर भी आ गई हो क्या पता दोस्तों। हम फिर केवल आगे देखते हैं,
थोड़ा सावधानी से काम करना है आपको। ये हमने वीडियो लगा दी इसमें और सो ये हमारी पिक्चर आ चुकी है। सो ये देखो हमारी पिक्चर ये अब इसमें आ चुकी है पिक्चर। सो देखा हमने कि छोटी सी एक टाके की वजह से, लाइसेंस की वजह से हमारी पूरी पिक्चर चली गई थी। और सिर्फ हमने क्या करा है, रेजिस्टेंस जो कि अगर आप घर पे काम कर रहे हो वहाँ पर नहीं रेजिस्टेंस, तो हम एक तार जोड़ सकते हैं इसको। एक तार के सहारे हमने सिर्फ एक तार जोड़ा है और हमारा टीवी चालू हो गया। तो दोस्तों इतना ही होता है दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि हर फोटो लगाने में यही कमी हो। सबसे पहले आपको वोल्टेज सारे चेक करने जो मैंने आपको बताया, उसके बाद आपको यहाँ पर पहुँचना है कि फिलामेंट की वोल्टेज आ रही नहीं आ रही। दोस्तों आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और जो मैंने फॉलो आपको बताया है वो आप ध्यान रखोगे। और अगर आप अपनी दुकान पे काम कर रहे हो तो रेजिस्टेंस लगाना ज़रूरी है, और आप दुकान पे नहीं हो घर पे हो तो जम्पर भी लगा सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों।